तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रोल सर्वाइवल। तो हमारा ग्लोबल रैंक में डे नंबर 2 है आज। तो अभी हमारे पास अभी वर्क बेंच भी अपग्रेड नहीं है, लेवल 2 में ही है। और ऑयल बम का भी रेसिपी नहीं निकाला क्योंकि अभी थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं, तो ज़्यादा गेम नहीं खेल पाता। तो अभी मैं अभी फ्री हो चुका हूँ, तो अभी आज पूरा दोनों काम एक साथ कर देंगे। तो जल्दी से मैंने किचन नाइफ ले लिया है। तो अभी मेरे बेस पे अभी शायद 500 जितना स्पेयर पड़ा है, तो हमें सिर्फ 1100 ही स्पेयर करने हैं। तो अभी जल्दी से जाते हैं, अभी हमारे गैरेज पास में है तो एयरपोर्ट वाले गैरेज पे जाते हैं। तो उधर कुछ मिल जाए कंपोनेंट वगैरह तो काम बन जाएगा। तो इधर टूल बॉक्स पड़ा हुआ है तो इसको तोड़ते हैं। तो क्रॉसबो मिला है तो ले लेते जल्दी से। इधर दो सप्लाई चेस्ट पड़े हुए हैं तो इसको भी ले लेते, कंपोनेंट ज़्यादा मिल गए। तो इधर भी टूल बॉक्स पड़ा हुआ है तो इधर से भी लूट जो भी मिलेगा ले लेंगे। तो जल्दी से चलते हैं रोड फार्म करने। तो आगे क्या क्या सीन होने वाले देखना गाइस, शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो पूरा रोड भरा हुआ है, दूसरा दिन है इसीलिए। तो चलते आगे। तो जिसने भी हमारा वीडियो नहीं देखा कल वाला डे नंबर 1 का, तो जल्दी से चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो उसमें भी बहुत ही मज़ा आया था, बेस बनाया था मैंने तो बहुत ही तगड़ा बेस बना था। तो आप सोच रहे होंगे कि बेस अभी आपका अलग क्यों है, तो अभी उसका भी एक स्टोरी है। मैं बहुत ही बिजी हो गया था तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि अंदर मेंटेनेंस ख़त्म हो गया, तो अभी आया ही नहीं गेम में। तो मैं वापस आया था जब, तो बेस का मेंटेनेंस ख़त्म हो गया था और बेस पूरा टूट गया था। तो अभी हमें दूसरा बेस बनाना पड़ा था, तो उसमें भी बहुत ही मेहनत लगी थी। तो अभी चलते आगे। तो आगे बहुत ही खतरनाक सीन होने वाले, बहुत ही बंदे मिलेंगे हमको। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं फार्म करने। तो मेरे को एक बंदा दिखा तो इसको मारते हैं जल्दी से। तो पहले मेरे को बंदा बंदा लग रहा था, फिर पता चला कि ये बॉट है, तो उसको भी मार लेते हैं। उसको भी, उसके पास भी थोड़ा अच्छा लूट मिल जाएगा। तो जल्दी से सप्लाई चेस्ट तोड़ते हैं और इधर ये ड्रम को भी तोड़ते हैं, फिर आगे बॉट के लूट को देखते हैं। उधर से शॉटगन मिल जाए तो यार बहुत ही मज़ा आ जाएगा यार। तो किधर था मुझे भी नहीं पता किधर मारा मैंने, तो शायद इस वाले पेड़ के पास मारा था। तो चलते देखते जल्दी से। हाँ तो इधर ही, तो हमें थोड़े बहुत कंपोनेंट मिल गए तो वो भी अच्छी बात है। तो जल्दी से बैग पैक फुल है हमारा, तो थोड़ा सा फालतू सामान निकाल देते। तो वाटर बैग में से थोड़ा पानी पी लेते, फिर निकाल देते उसको भी। तो आगे बढ़ते जल्दी से। तो इधर क्या सीन होने वाला है देखना गाइस, बहुत ही तगड़ा सीन होगा। तो शॉकिंग सीन हो गया इधर। तो जैसे मैं ये टूल बॉक्स फोड़ता हूँ तो अंदर से क्या निकलता है देख देख ही सकते हो गाइस। SMG यार, तीसरी बार मेरे को ये SMG मिल रहा है। तो उसके उसके पहले भी हमें 2 बार SMG मिल चुका था, पर वीडियो तब चालू नहीं था तो मैं उसका सीन नहीं तो दिखा देता आपको। तो हमारे बैग फूल है तो कुछ चीज़ें निकाल देते, क्रॉसबो निकाल देते और SMG ले लेते गाइस जल्दी से। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम। तो ओके, तो स्पेयर ले लेते, जल्दी आगे बढ़ते। तो अभी हम इधर आ गए तो हमारा फ्रेंड का कॉल आया था, जो कल वाला जो फ्रेंड था हमारा, हेल्प किया था बेस बनाने में, उसका कॉल आया और वो भी बोल रहा था कि मुझे भी आना है आपके साथ, थोड़ा हेल्प करूँगा मैं। तो मेरे पास रोड फार्म करते हुए बैग मिला था, तो मैं बैग इधर कहीं पे स्पॉन कर दूंगा। तो यार इधर बैग स्पॉन नहीं हो रहा क्योंकि पास में ही एयरपोर्ट है, तो इधर बैग लग रहा है। तो जल्दी से उसको बैग दे देते। तो जब तक ये आता है तब तक हम फार्म करते। तो इधर भी बहुत सारे बेस हैं तो इनको भी हम रेड करेंगे। ओके गाइस, तो मैं इधर से निकल रहा था फार्म करते हुए, रोड फार्म करते हुए, तो मेरे को एक बंदे का फुट स्टेप आने लगा था, तो मैं इसको मारने वाला था, पर मेरे को तभी पता चला कि ये मेरा ही बंदा है। मैंने जा वहाँ पे जो बैग दिया था वही बंदा है, तो उसको अभी मार देता मैं।
तो वो बच गया, तो मैंने उसके पास से वो किचन नाइफ ले लिया, क्योंकि मेरा किचन नाइफ का हेल्थ बहुत ही कम हो गया था। तो टूल बॉक्स में से कुछ नहीं मिला गाइस, फालतू सामान मिला है। तो जल्दी से फार्म करते, जल्दी से 1100 स्पेयर करते और जल्दी से बेस पे चलते हैं यार। बहुत ही मेहनत लगती है यार उसमें, अकेले जब फार्म करने निकलो ना यार, बहुत ही मेहनत लगती है फार्म करने में। ओके गाइस, तो अभी मैं गैस स्टेशन पे पहुंच गया हूँ। तो इधर एक बोट है, तो उसको भी मारते जल्दी से। तो बोट के पास से क्या मिलता है देखते गाइस। तो इसके पास तो कुछ कंपोनेंट मिले यार गाइस, कंपोनेंट दिया बोट ने, कुछ तो काम किया अच्छा। तो जल्दी से अंदर चलते, तो मेरे को लगता है गैस स्टेशन पूरा फुल है। तो आज कोई नहीं लूट, आज कोई लूटेगा ही नहीं गाइस, देखना। पहले दिन ही सब इतने बंदे लूट लूट के यार थकते ही नहीं है, पर दूसरे दिन देखने जाओ तो कुछ भी लूटा नहीं होता, पूरा फुल होता है। तो इधर मेरा बैग फुल हो गया है, तो निकाल देते जल्दी से कुछ सामान फालतू। और कंपोनेंट इधर कुछ नहीं मिला यार खास, सप्लाई में से भी अभी तो कुछ नहीं मिलता यार। मेरे को लगा सप्लाई में से कुछ मिल जाएगा गैस स्टेशन में से, पर इधर भी कुछ खास नहीं मिला। तो अभी हम जितना भी सामान है उसको डिसमेंटल करने जाएंगे। तो ये गाइस, जब तक डिसमेंटल होता है तब तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना गाइस, और एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो जितना भी अभी तक हमको इतना प्यार मिलता रहा है, तो अभी आगे भी ऐसा प्यार हमको मिलता रहे तो जल्दी से हम 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर देंगे। तो दिल से शुक्रिया गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए। तो अभी डिसमेंटल होने वाला है, तो हो गया है हमारा। तो अभी जल्दी से रोड फार्म करने चलते हैं। तो गाइस आगे सप्लाई चेस्ट पड़ा हुआ है, तो अभी जल्दी से सप्लाई चेस्ट तोड़ते हैं। तो इधर एक सीन हो गया गाइस, मैंने गलती से किचन नाइफ को भी अंदर डिसमेंटल करने के लिए रख दिया था। तो अभी मेरे को वुड कर्व से ही काम चलाना पड़ेगा। तो सप्लाई चेस्ट में से भी कुछ खास नहीं मिला, तो हमारा हेल्थ भी थोड़ा कम हो चुका है। तो अभी हम जल्दी से मेडिकिट लगा देते। तो वुड क्लब तो हमारा बन चुका है, तो अभी हेल्थ पूरा फुल कर देंगे तब जाके अभी। ओके गाइस, तो अभी ये किसका रिक्वेस्ट आया, तो ये भी हमारे सब्सक्राइबर ही है, तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट भेजा है। तो अभी वो भी इधर ही खेल रहे हमारे बेस के पास ही, उन्होंने बेस बनाया। तो अभी वुड से ही हमको ये फार्म करना पड़ेगा यार, बहुत ही मुश्किल होता है यार वुड कब से, बहुत ही टाइम जाएगा। तो कोई नहीं यार, कर लेंगे ये भी। तो मैं इधर रोड फार्म कर रहा था, तो मेरे को एक बाइक का साउंड आया, तो मेरे को लगा कोई बंदा आ गया था, ऐसा लगा मेरे को। तो मैं पीछे देखा तो मेरे को पता चला कि ये हमारे सब्सक्राइबर ही है। तो पता नहीं क्यों आए इधर, मेरे को शायद देखने आए थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आगे टूल बॉक्स पड़ा हुआ है, तो अभी उधर जाएंगे जल्दी से और टूल बॉक्स तोड़ते हैं, क्या मिलता है। कंपोनेंट मिल जाए तो अच्छी बात है यार। तो यार इधर भी कुछ खास नहीं मिल रहा है। ओके गाइस, तो मैं अभी गैरेज में आ चुका हूँ, और थोड़ा सा सामान मेरे पास कंपोनेंट पड़े हुए थे तो उनको मैं डिसमेंटल कर देता हूँ। तो अभी ये लास्ट वाला था तो उसको भी डिसमेंटल कर दिया। तो अभी हम इधर से जाने वाले थे, और इधर एक बंदे का फुटस्टेप आ गया था, तो उसको भी हम मारते हैं जल्दी से। तो इधर उधर मैं घूम रहा था, फ्यूल देख रहा था कि है कि नहीं, तो इधर एक बंदे का फुटस्टेप आया, तो मैं गलती से इधर ऊपर चढ़ गया, तो हमारे फ्रेंड ने अटैक कर दिया था। भाई यार 7-7 का डैमेज, मतलब कि उसके पास कुछ तो आर्मर है यार, हैवी आयरन आर्मर होगा शायद। तो यार मचेट भी मिला हमको और कुछ नहीं मिला। तो हमारे फ्रेंड सब्सक्राइबर भाई ने एक और बंदे को टपका दिया इधर, तो उसके पास क्या है देखते लूट। तो कंपोनेंट थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो अभी चलते हैं आगे, इसको भी हम डिसमेंटल कर देंगे। तो ओके गाइस, अभी मेरे पास इतने स्पेयर तो हो चुके थे कि 980 स्पेयर हो चुके हैं, देख ही सकते हो। तो अभी हम घर की साइड जाते हैं, तो अभी रोड फार्म करते करते जाएंगे, थोड़ा सा हमें स्पेयर भी मिल जाएगा और कंपोनेंट और वो थोड़ा सा सामान मिल जाएगा। तो ओके गाइस, तो अभी हम चलते जल्दी से गैरेज की साइड, तो उधर थोड़ा सा सामान डिसमेंटल कर देंगे उधर जाके। तो जैसे मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो खतरनाक सीन दिखता है मेरे को, एक दो बंदे उधर लड़ रहे थे, तो मैंने उधर थर्ड पार्टी करके दोनों को टपका दिया है, एक को नॉक कर दिया, अभी दूसरे को भी नॉक कर देंगे।
तो दूसरे को भी नॉक कर दिया है। तो अभी मेरे को शायद इनका नाम जाना पहचाना लगा, तो मैंने उसको मारा नहीं और देखता हूँ टीम में ले ले यार, देखते उसको बात करके देखते। तो फिर मेरे को बाद में पता चलता है कि ये भी हमारे सब्सक्राइबर ही है, तो वो भी इसीलिए मैंने उनको मारा नहीं, उनको रिवाइव कर दिया। तो ये भी उनका भी इधर पास में ही है बेस, तो अभी जल्दी से मैं अपने बेस के ऊपर आ चुका हूँ। तो अभी जल्दी से हमारे पास जितने भी स्पेयर थे देख ही सकते, 1600-1700 स्पेयर थे, तो अभी 1700 स्पेयर लेके अभी जल्दी से इधर आते और लेवल 3 में अपग्रेड कर देते वर्क बैच को। ओके गाइज, ये जब तक अपग्रेड हो रहा है तो हम जल्दी से ऑयल बम को ढूंढते किधर रखा था मैंने। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मिल चुका है हमको, ये दो है, तो इसको एक एक कर देंगे और इसको वापस रख के देंगे इसको, तो इसका भी रेसिपी निकाल देंगे जल्दी से। तो ये भी दोनों हो रहे हैं, तो ये 30 सेकंड में हो जाएगा और वो 1 मिनट में हो जाएगा, तो रेसिपी निकलने वाला है हमारा। तो निकल चुका है हमारा रेसिपी, तो इसको जल्दी से क्लाइम कर देते और निकाल देते जल्दी से, क्राफ्ट कर देते इसको यूज़ कर देते। तो निकल चुका है हमारा ऑयल ड्रम का रेसिपी, तो ये भी हो चुका है, दोनों साथ में हुए। तो देखिए जो हमारे पास अभी 100 स्पेयर बचे हुए हैं, तो जल्दी से टीसी में रख देंगे। अभी रेड टाइम शुरू होने वाला है, तो अभी जल्दी से अपग्रेड करेंगे थोड़ा सा बेस, अभी मेन सेक्शन है वो अपग्रेड कर देंगे। तो आयरन का कर दिया, ये भी आयरन का कर देंगे, तो पूरा आयरन का करेंगे जो जो मेन एरिया है, तो इसको भी आयरन कर देंगे, ये भी आयरन का, तो सब आयरन का कर देंगे मेन सेक्शन। तो टीसी का जो है वो डोर वो भी स्टील का करना पड़ेगा हमको, तो इसको भी कर दिया। तो गाइस, जिसको भी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।